दिवाली पर और इस फेस्टिव सीजन पर मैं लाइव न्यूज को बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं देना चाहूंगा। भारत में पहली बार पूर्ण रूप से महिलाओं पर केंद्रित संस्थान द वुमेन सेफ का हुआ आगाज, जिसमें सीआरवाई उमंग, बचपन बचाओ आंदोलन, हंस कल्चरल फाउंडेशन, वरिष्ठ पत्रकार विपिन गोड, मानव अधिकार कार्यकर्ता धनंजय चौहान, आरजे रौनक व देश के प्रमुख व्यवसाय समाज सुधारक व मीडिया से जुड़े प्रभावशाली एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति व संस्थान शामिल रहे। इन सभी को शिल्पा शेट्टी कुंद्रा द्वारा सम्मानित किया गया। देखिए, होप का मतलब है आशा यानी उम्मीद, और इसी तरह की आशा और उम्मीद बनकर के एफएम न्यूज भी उभरा है। और एफएम न्यूज को ये अवार्ड मिलना, बतौर एफएम न्यूज के एडिटर इन चीफ ये अवार्ड मिलना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इस अवार्ड के लिए जनता का शुक्रिया। जनता से हम ये कहेंगे कि लगातार एफएम न्यूज के साथ आप बने रहें। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है कि होप, एक आशा, अगर हम होप करते हैं तो ही हम कोई काम को कर पाते हैं, और बड़े से बड़े काम जो होते हैं एक होप से ही होते हैं, उनकी शुरुआत होप से होती है। और यहाँ पर एक होप अवार्ड करके एक प्रोग्राम इन्होंने जो शुरू किया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मुझे भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है मेरे कामों के लिए, तो खुशी मिलती है जब आपके काम को कोई अप्रिशिएट करता है। कोई सोशल में कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, जो भी वर्क है, जो रिस्पॉन्सिबल वर्क है, उन्हीं को जो ऑनेस्टी के साथ वर्क कर रहे हैं उनको जो इनकरेजमेंट देती है वही है होप अवार्ड्स। उनकी सक्सेस के लिए, हम उनको और प्रोग्रेस करने के लिए उनको हम इनकरेज करते हैं कि आप आगे ऐसे बढ़ते रहिए और अपना अच्छा काम और ऑनेस्टी के साथ समाज के हित में काम करते रहिए, तो दैट इज़ द होप अवार्ड्स। आई डोंट एग्री बिकॉज मी टू एक हवा जैसी चल रही है। मुझे लगता है कि इंडिया में मी टू की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर वुमेन को, जितनी भी गर्ल्स हैं, उनको अपना अच्छा और अपना बुरा समझने की ज़रूरत है, और मैन एम्पावरमेंट की भी ज़रूरत है। तो ये चीज़ें तो मिक्स, जब तक हम ह्यूमन बीइंग एज ए मेल और फीमेल सब मिलके नहीं करेंगे तो ये चीज़ें कैंपेनिंग ऐसे आएंगे जाएंगे, नो यूज़। बट यस, एक हवा चली, लोगों ने इनिशिएट किया, तो ये चीज़ें होनी चाहिए, शुड बी कैरी। देखिए, ये उनकी पर्सनल थिंग्स है कि वो अपने अपनी जजमेंट किस तरीके से लोग रखते हैं, कि उनका अपने व्यूज़ हैं बाकी। लेकिन हर वुमेन, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सेलिब्रिटी हो या कहीं पब्लिक में वर्क करती हो, उन पे ही मी टू है। मी टू मूमेंट्स एक वो हर किसी वुमेन इस चीज़ से मे बी फेस करती हैं प्रॉब्लम्स, तो ये अब टाइम है, और ये टाइम आज नहीं है। मैंने एक चीज़ पहले भी बताया ना, कोई भी गर्ल्स हो, उनको बस अपना अच्छा और बुरा पता होना चाहिए, और ये गॉड गिफ्टेड है हर वुमेन में, हर सेंस होता है उनमें कि क्या सही है और क्या गलत है। सो दे शुड चूज़ द राइट थिंग्स, हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। एक फीलिंग्स अपने आप ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाती हैं, तो दे शुड अंडरस्टैंड। बाकी इट्स द पीपल ओपिनियन एवरीबडी। या थैंक यू। सब्सक्राइब करें।